फिर पहुंचा हूँ रोमा नर्सरी। वाओ, उसका फूल मेरा भूरा होकर टूट रहा है, क्या कारण हो सकता है? अच्छा, ये पॉट में लगाएंगे आप इनको? अच्छा अच्छा, तो लीजिए मैं पहुंच गया रोमा नर्सरी। हाँ विजुल, कैसे हो? आज हम फिर आ गए हैं आपके पास। तो आज कुछ दिनों के बाद मैं फिर पहुंचा हूँ रोमा नर्सरी। कुछ दिन पूर्व यहाँ से पौधे ले गया था, लेकिन लगा कि अभी कमरे में जगह कुछ और है, तो क्यों ना कुछ और पौधे ले लिए जाएं। तो ये रही पौधशाला। काफी खूबसूरत और स्वस्थ पौधे यहाँ मिल जाते हैं। वाओ, काफ़ी हरे भरे हो गए हैं अब तो। जब मैं पहले आया था तो थोड़े अभी इतनी हरियाली यहाँ देखने को नहीं मिल रही थी। यहाँ हैं कुछ स्टैंड पौधों के लिए और काफ़ी अच्छे गमले, विविध प्रकार के गमले भी यहाँ उपलब्ध हैं। रोमा नर्सरी में अभी हम मिलते हैं विजुअल से। ये विजुअल जी हैं यहाँ बड़े बेहतर माली हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पौधों की देख रेख करते हैं। विजुअल, कैसे हैं आप? ठीक है जी, सब आनंद है। कुछ समय पहले आपसे पौधे ले गया था, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरा एग्लोनिना का पौधा है, एग्लोनिमा का पौधा, उसका फूल मेरा भूरा होकर टूट रहा है, क्या कारण हो सकता है? ज्यादा पानी हो गया ना जी। ज्यादा पानी वो जंगल की मिट्टी में? हाँ, उसमें थोड़ा ज्यादा पानी में वो नमी, ज्यादा नमी हो गया ना, उसके वजह से वो हो गया। अच्छा, इसका मतलब है मुझे पानी उसमें कम करना चाहिए। पत्तों को दे सकते हैं या नहीं? पत्ते गीला कर सकते हैं उनको। पत्तों को गीला कर सकते हैं, लेकिन फूलों पर पानी ना है? नहीं। ओके, आइए कुछ औषधीय पौधे देखते हैं। ओरिगेनो, सेलरी, रोजमेरी, पुदीना और इस तरफ है तुलसी। ये बाईं तरफ के हिस्से को देख लेते हैं। और ये अंतिम छोर की ओर जा रहे हैं हम। ये कुछ नए पौधे उगाए जा रहे हैं यहाँ। देखते हैं अभी यहाँ के देखभाल करने वाले यहाँ कुछ कर रहे हैं इस रेडी का सदुपयोग। आप कुछ करने वाले हैं, कुछ पौधे बाहर ले जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, अच्छा ये पॉट में लगाएंगे आप इनको? अच्छा अच्छा, अब
अपनी पौधशाला के इस हिस्से से ले जा रहे हैं ये कुछ पौधों को पॉट में लगाने के लिए। गमलों में लगाकर ये खूबसूरत लगेंगे और आकर्षित करेंगे आगंतुकों को भी। ये है कढ़ी पत्ता। सोच रहा हूँ एक पौधा मैं भी ले चलूँ यहाँ से। मैं कढ़ी पत्ते का पौधा यहाँ निकाल तो रहा हूँ, लेकिन कुछ बेलें उलझ गई हैं यहाँ। पता ही नहीं चल रहा कि ये बेलें कैसी उलझ गई हैं इसको। तो चलिए इसको ले चलता हूँ मैं। दूसरे पौधों के साथ मैं ले जा रहा हूँ आज पत्थर चेटा का पौधा भी। तो अब समय आ गया है बिल बनवाने का। चलते हैं काउंटर पे और बनवा लेता हूँ बिल। बिलिंग हो रही थी लेकिन साथ ही ध्यान आया कि क्यों ना कुछ गमले ले लिए जाएं। तो विजुअल मेरे साथ आ रहे हैं पीछे गमले लेकर। लीजिए बिल बनकर है तैयार और विजुअल ने बिल रख दिया नीचे कहीं। ये इतनी बड़ी पौधशाला संभालते हैं और मैं तो लगभग 2 घंटे के दौरे में ही थक गया, तो पानी पीना तो बनता ही है।